खास रूप से जियो की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जियो अब लैपटॉप मेकिंग में भी काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रिलायंस जियो टेलीकॉम सर्विसेज और सबसे सस्ते स्मार्टफोन के साथ साथ अब लैपटॉप मेकिंग में भी काम करने वाला है। जियो की एक नई रिपोर्ट के अनुसार जियो ने बताया है कि वह एक नए लैपटॉप जियो बुक पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यह लैपटॉप एक फोर एंड्रॉइड बिल्ड पर आधारित होगा। इसके साथ ही दोस्तों जियो ने बताया है कि जियो बुक के निर्माण के लिए चीनी निर्माता कंपनी ब्लू बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। कंपनी पहले से ही अपने कारखानों में जियो बुक मॉडल डेवलप कर रही है। इसी के साथ दोस्तों एसडीए डेवलपर्स ने कहा है कि जो जियो बुक का जो डेवलपमेंट है यह पिछले साल के सितंबर को शुरू हो गया था और 2021 1 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि जियो बुक लैपटॉप में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसडीए डेवलपर की रिपोर्ट के अनुसार जियो बुक की वर्तमान प्रोटोटाइप में 666x768x पिक्सल का रेवोल्यूशन डिस्प्ले के साथ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 SU के साथ स्नैपड्रैगन S12 4G मॉडल दिया जाएगा। इसके एक मॉडल में 2GB LPDDR4X रैम और 32GB EMC स्टोरेज नज़र आया है। एक और मॉडल में 4G LPDDR4X 64GB eMMC 5.1 स्टोरेज भी दिखाया गया है। जियो बुक कनेक्टिविटी के सीरीज पेश करेगी जिसमें एक मिनी SD कनेक्टर, माइक, ब्लूटूथ और वाईफाई भी शामिल हो सकते हैं। इसे 3 एक्सेस और एक्सेलेरोमीटर क्वालकॉम और ऑडियो चिप भी कहा जाता है। जियो अपने ऐप जैसे जियो स्टोर, जियो मीट और जियो पेजेस को इसमें प्री इंस्टॉल करके रखेगा।